नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 26 सितंबर 2022 को नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, यानी कि शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे किस तिथि को किस देवी का पूजन किया जाता है नवरात्रि में, और इस नवरात्रि में किस दिन का कौन सा रंग देवी को प्रिय होता है और स्वयं भी भक्तों को साधकों को उसी रंग के वस्त्रों का को धारण करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा माँ जगदम्बा की विशेष कृपा बनी रहती है, आशीर्वाद बना रहता है, माँ प्रसन्न रहती है। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि में किस तिथि को किस देवी का पूजन करना है और कब से कौन सी तिथि प्रारंभ हो रही है। साथियों, 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार पहला दिन है नवरात्रि का। इस दिन शैलपुत्री माँ की पूजा अर्चना की जाती है। श्वेत वस्त्र का धारण इस दिन करें और माता को भी श्वेत वस्त्र के साथ, श्वेत पुष्पों के साथ पूजन अर्चना करें, पुण्य फल प्राप्त होगा। वही 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को दूसरा दिन नवरात्रि का होगा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। लाल वस्त्र से माँ का श्रृंगार करें और लाल वस्त्र ही धारण करें, ऐसे में माँ का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। 28 सितंबर 2022 दिन बुधवार नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन चंद्र घंटा माता की पूजा करते हैं और उस दिन नीला वस्त्र का श्रृंगार करें माँ का, और स्वयं नीला वस्त्र धारण करें, माँ प्रसन्न होगी, आशीर्वाद प्राप्त आपको होगा, जीवन सफल होगा। 29 सितंबर 2022 गुरुवार चौथा दिन है। इस दिन कुष्मांडा माता का पूजा किया जाता है, यानी कि पूजन किया जाता है। पीला वस्त्र धारण करें और माता को भी वस्त्र पीले ही अर्पण करें, पीले पुष्पों से श्रृंगार करें, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और कल्याण होगा। 30 सितंबर दिन शुक्रवार पांचवा दिन है, यानी कि पंचमी है। इस दिन स्कंद माता का पूजन करें, हरा भरा श्रृंगार करें और हरे वस्त्र धारण करें, और माता का भी श्रृंगार हरे वस्त्रों के साथ करें, आपके सारे संकटों का हरण होगा। वहीं 1 अक्टूबर दिन शनिवार को छठवां दिन है, यानी कि षष्ठी है। कात्यायनी माता का पूजन करते हैं। इस दिन ग्रे कलर यानी कि राखी का, जैसे राखड़ी कलर, राख का, आग की राख का कलर होता है, ऐसे वस्त्रों को धारण जो भक्त करता है उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 अक्टूबर दिन रविवार सातवां दिन है, यानी कि सप्तमी है। इस दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। माता कालरात्रि दुष्टों से, शत्रुओं से रक्षा करती हैं और रोगों से भी छुटकारा दिलाती हैं। इस दिन नारंगी वस्त्रों का धारण करें, उसी से माँ का श्रृंगार करें, लाभ होगा। 3 अक्टूबर दिन सोमवार को अष्टमी है, यानी कि दुर्गा अष्टमी है। इस दिन मोर पंखी वस्त्र जो भक्त धारण करता है उसको जीवन में सफलता प्राप्त होती है, और माता का भी श्रृंगार इसी रंग के वस्त्रों के साथ करें, लाभ होगा। 4 अक्टूबर दिन मंगलवार को महानवमी है। इस दिन गुलाबी वस्त्रों से माँ का श्रृंगार करें, स्वयं गुलाबी रंग के वस्त्रों को धारण करें और गुलाबी पुष्पों से भी माँ का श्रृंगार करें, ऐसे में आपके जीवन में खुशहाली आएगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 5 अक्टूबर
दिन बुधवार को दशमी है और दुर्गा विसर्जन भी है, प्रस्थान करेंगी, और दशहरा भी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उस दिन जिस वाहन से माता का आगमन हुआ था प्रतिपदा के दिन, यानी कि हाथी के वाहन पर, उसी वाहन से प्रस्थान है। और ये आगमन और प्रस्थान, हाथी की सवारी करके आना और जाना माँ, यह संकेत देती है कि जबरदस्त बारिश होगी, खुशियों की, मौसम की, और सारे संकट और पीड़ा का हरा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।